हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में टिकट वीरों का संग्राम शुरू हो चुका है। राजनीति के इस महायुद्ध में हर कोई शरीक होना चाहता है। ऐसे में नेता हो, सेनापति हो, हर कोई अपने को टिकट दिलवाने की रेस में जुटा हुआ लग रहा है। इस रेस में हर कोई कूद चुका है, लेकिन टिकट का वरदान किसको मिलता है देखना बेहद दिलचस्प है। हरियाणा में टिकट के तलबगारों के लिए राजनीतिक दलों के नेता चंडीगढ़ से दिल्ली तक दौड़ भाग कर रहे हैं। कोई अपनों को तरजीह देना चाहता है तो कोई पार्टी की गाइडलाइंस का हवाला देकर अपने टिकट पक्की करना चाहता है। दिन भर लगातार पार्टियों की मैराथन बैठकें चल रही हैं। टिकट वीरों के नामों पर गहनता के साथ मंथन हो रहा है। टिकट की चाह में नेता राजनीतिक धामों की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे में पार्टियों के सामने भी ये मुश्किल है कि किसको टिकट दिया जाए और ना मिलने वालों का विरोध कैसे झेला जाए। हालांकि टिकट देने के लिए सभी दलों के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन एक पैमाना सभी का समान है और वो है जिताऊ फैक्टर। अब ऐसे में पार्टी किस पर भरोसा करती है और पार्टी के पैमाने पर कौन खरा उतरता है ये देखना होगा। वहीं विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर बीजेपी 29 सितम्बर को टिकटों का ऐलान करेगी, जिसके लिए पहले एक बैठक बुलाई जाएगी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश से लौटते ही पार्टी अपने शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी। वहीं बीजेपी ने किसी भी राजनेता के परिवार को टिकट न देने का फैसला लिया। इसके अलावा मेयर, जिला परिषद चेयरमैन को भी टिकट नहीं देने पर सहमति बनी है। तो पार्टी ने ये खाका तैयार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी पार्टी के दिखाए रास्ते पर चलें, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे नेता भी हैं जो खुद मंत्री हैं, सांसद हैं, बड़े औहदों पर हैं, लेकिन अब मांग कर रहे हैं अपनों को एडजस्ट करने की, यानी टिकट की कतार में वो शॉर्टकट के इंतजार में हैं। ये फेहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें हरियाणा से सांसद और मंत्री राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर भी अपने बेटे देवेंद्र को एडजस्ट करना चाहते हैं और तिगांव सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। सांसद रतनलाल कटारिया भी अपनी पत्नी बंतो कटारिया के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इस फेहरिस्त में नायब सैनी भी हैं, वो भी अपनी पत्नी सुमन सैनी के लिए नारायणगढ़ सीट से टिकट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनों को टिकट दिलवाने की आस और मांग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही हो, बल्कि दूसरे दल भी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही कुछ नेताओं का मानना है कि नए चेहरों को तरजीह दी जानी चाहिए और जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और ऐसे साथियों को सबको सपोर्ट करना चाहिए जो लोकसभा लड़ लिए है, जो कई कई बार चुनाव लड़ लिए, बड़े बड़े पदों पर रह लिए, उनको इस बार दूसरों को मौका देना चाहिए। खैर, दलों की ये परेशानी कम नहीं है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति टिकट को लेकर बन रही है। ऐसे में पार्टियां भी ये समझ रही हैं कि टिकट की इस रेस में उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये खुद पार्टी की नीति पर ही निर्भर करेगा। हरियाणा न्यूज के लिए दिल्ली से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। और इससे पहले कि हमारे पैनल की ओर आगे बढ़े, आज का सवाल एक बार फिर पूछ लेते हैं जिसका जवाब आपको देना है। तो सवाल है, क्या टिकट पर मचा घमासान पहुंचाएगा पार्टियों को नुकसान? हाँ के लिए टाइप कीजिए यस, ना के लिए आप नो टाइप करें। अपना जवाब 8743010009 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। एक बार फिर सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि आपके स्क्रीन पर सवाल है, क्या टिकट पर मचा घमासान पहुंचाएगा पार्टियों को नुकसान? और बिना वक्त गवाए हमारे मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आप बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। हमारे साथ राजीव लांबा है, प्रवक्ता कांग्रेस। राजीव जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका भी। दलबीर धनखड़ साहब है, प्रवक्ता जेजेपी। धनखड़ साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ सुकवंत सिंह का भी, ये प्रवक्ता इनेलो है। जो सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा, धनखड़ साहब उसी से शुरुआत करते हैं, क्या टिकट के लिए जो घमासान इस वक्त नजर आ रहा है, चूंकि बहुत जल्दी सब कुछ अनाउंस हो जाएगा, पार्टियों को नुकसान होगा इसका?
जिस तरह से पूरे साल बच्चे पढ़ते हैं और एग्जाम में जाते हैं तभी अगली क्लास में जाते हैं, तब आप पास करते हो, एग्जाम में बैठना होता पास होने के लिए। तो ठीक इसी तरह से 5 साल में जिस तरह चुनाव होता है, हर पार्टी को चुनाव में जाना होता है, फेल पास जनता फैसला करती है। और मैं तो कहता हूं सब पार्टियां आदरणीय है इस मामले में, हर कोई कोशिश करता है सही समीकरण बैठा के जीतने वाले कैंडिडेट को दे। मैं दिन में सबका मान सम्मान करता हूं, किसी को कम ज्यादा हम नहीं आंक सकते, क्योंकि नहीं आंक सकते, हम इसे प्रक्रिया से गुजर रहे तो बाकी लोग भी इसे गुजर रहे हैं। हम अच्छे से अच्छा कैंडिडेट कैसे उतारे, साफ छवि का कैंडिडेट हो, अच्छी वोटों से जीते, पार्टी का कहीं कोई नुकसान ना करे, इस तरह की कोशिश करती है, हर पार्टी करती है, मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगा। हां कुछ पार्टियों में कैंडिडेट ऊपर से आते हैं, कुछ में राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं वो भेजने का भी कोशिश करते हैं, वहां बहुत आका होते हैं, कोई किसी का नाम भेज देगा, कोई किसी का नाम भेज देगा, परंतु एक फिर कमेटी होती है, कमेटी सारा मेरे ख्याल से तो चाहे राष्ट्रीय पार्टी अपना इलाका जातीय समीकरण जीतने वाला सब देखते हैं, और देखना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिल्कुल मैं तो कहता हूं। बाकी जिस तरह से मैं आज बताना चाहूंगा, स्वामी जी यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय भी और बुजुर्ग भी, बहुत पॉलिटिक्स देखी इन्होंने बड़े पास से, और मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब ये आते हैं कि आकलन ठीक करते हैं ये, हमारी समझ माता, हालांकि मेरी कमियां बहुत बताते हैं, जेजेपी की सबसे ज्यादा कमियां बताते हैं, पर मैं कभी नाराज नहीं होता, क्यों मैं सीख के जाता हूं। जैसे ही बात आती है जैसे भारतीय जनता पार्टी की, मैं आज भी हैरान हूं, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी में काम किया हुआ है, 2009 में मैंने इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, तो पहली बार कांग्रेस से कैंडिडेट लेकर उमेश अग्रवाल को गुड़गांव से चुनाव लड़ाया गया। हमने 5 नाम दिए थे जिसमें मेरा भी नाम था, हमने कहा किसी को दे दो, पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे दो, परंतु 2009 में जरूर नाराज होया था, पर वो बाढ़ सी आ गई भारतीय जनता पार्टी में, जिताऊ कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, और कहीं से विदेश से भी चाहे आ जाए, हम तो जिताऊ ही उतारना है। अब वो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की बिल्कुल नहीं रही है, क्षेत्रीय दल आज भी उसी पर टेके हुए हैं कि अपने कार्यकर्ता को कैसे मान सम्मान दिया जाए। मान सम्मान दो तरह से होते हैं, सबको टिकट नहीं दे सकते, ये सच्चाई है बिल्कुल, सबको आप टिकट नहीं दे सकते, टिकट एक में लगे एक इलाके में, वो क्या करते हैं फिर उसी जो दूसरे कार्यकर्ता होते हैं, जैसे हमने इनेलो में बहुत काम किया, वहां एक बात खास थी, हमारे जो मुखिया थे ओम प्रकाश चौटाला जी वो एक बात कहते थे, कार्यकर्ता का मान सम्मान होना चाहिए, विधायक तो आएंगे जाएंगे, वो बात मेरे को आज भी सटीक बैठती, इसमें कोई शक नहीं, विधायक आ जाते हैं, कई हार के चले जाते हैं, कई जीत के भाग जाते हैं, कार्यकर्ता जिस संगठन में होंगे वो संगठन कभी भी नहीं हारता। जननायक जनता पार्टी उन्हीं विचारों से बनी हुई, जननायक ताऊ देवीलाल के विचारों से, कार्यकर्ता बना रहेगा, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल मैं इस बात पास भी डटा हुआ हूं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद थी देश को अनुशासन की, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानवती का कुंडवा जोड़ा, सबसे ज्यादा सट्टी की निपोती, आप देखिए पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर उंगलियां उठाई, और आधे से ज्यादा सांसद विधायक आप देख लो कांग्रेस से आए हुए। जींदबाई इलेक्शन आप देख लीजिए, मैं फिर कहता हूं जींदबाई इलेक्शन में आप देख लीजिए, जैसे जननायक जनता पार्टी अलग पार्टी बनी, हम चुनाव में गए, कांग्रेस ने क्या किया, एक विधायक को विधायक का चुनाव लड़ा दिया। इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या किया, उनके सारे विधायक ही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में फिक्स थे पहले से, इसी तरह कांग्रेस के 13 विधायक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चलते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में फिक्स थे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीतती, वहां जीतना तो जननायक जनता पार्टी ने था। आप देखिए क्या हुआ, क्या इंडियन नेशनल लोकदल 14 विधायक उनके साथ थे, वो तो हो गया, लेकिन इस कांग्रेस के पास इस वोट कितने आए, विधायक कितने थे, एक चिंता का विषय। मैं तो करूं अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए, अपने संगठन के लोगों को और पार्टी ने मौका देना चाहिए। चलिए ये हो गई, और जननायक जनता पार्टी ये हो गई जेजेपी की बात। सुखवंत सिंह जी, क्या इनेलो में भी अपनों को टिकट दिलवाने की रेस चल रही है? देखो अनामिका जी, इनेलो जो है जैसे दलबीर जी ने बताया, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं इनेलो में रहा हूं, तो वो बिल्कुल सटीक बात है कि हम ग्राउंड पर जो इनेलो का समर्पित कार्यकर्ता होगा उसको टिकट दे करके और हम लड़वाने का काम करेंगे, उसके लिए हमारी जो प्रोसेस है जो कवायद है वो जारी है। अब दलबीर जी की एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ 2-3 बात अपनी डिबेट में बोलते हैं और उस डिबेट में जींद चुनाव जरूर बोलते हैं, क्योंकि और कुछ तो बोलने को कुछ है नहीं, जीन चुनाव इनेलो चौधरी देवदास, नई नई पार्टी आई है और कहां से लाएंगे। तो अनामिका जी ये बात है, अभी आपका सवाल ये टिकट के ऊपर है तो जी, मैं जी। पहले इसके ऊपर बोलूंगा क्योंकि विषय जरूरी है जी। अब क्या है कि इनेलो ने पहले भी
इसमें आप लोकसभा चुनाव में भी देखिए, उसके बाद जींद बाई इलेक्शन जिसका जिक्र दलबीर जी कर रहे हैं, उसमें भी हमने लोकतंत्र को महलों से झोपड़ी में पहुंचाने का काम किया है और हम लगातार अपनी इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है इस देश में लोकतंत्र कि लोकतंत्र की पहुंच आम आदमी तक, गांव ग्रामीण शोषित वंचित तक होनी चाहिए। इनेलो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी टिकटों को डिसाइड करेगी, अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए डिसाइड करेगी। दूसरी बात, ये दलबीर जी जो अभी कह रहे थे, इनकी डिबेट फ्री स्टाइल होती है, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, विषय के ऊपर नहीं रहते। जींद बाई इलेक्शन से आगे बढ़िए दलबीर जी, उससे आगे बहुत बात आगे जा चुकी है। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है जींद बाई इलेक्शन हारने की, उसके बाद आप उसको तो उजागर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, उसकी भी बता दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने, मैं एक अनामिका जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो इन्होंने उठाया कि जेजेपी चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर काम करती है जी। और अनामिका जी, मैं ये कहता हूं कि चौधरी देवीलाल इस प्रदेश ने, इस देश की राजनीति की वो शख्सियत है जिन्होंने त्याग किया। पूरे देश ने देखा कि देश की जनता ने उनको चुना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया कि उन्होंने जनता से वायदा कर लिया था। अब जेजेपी अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर चलती है जी, तो उनको सीएम आया के नारे लगवाने की आवश्यकता क्या थी? और इस छोटी सी उम्र में भी, जब जहां एक उनका एक ही टर्म जो है वो लोकसभा का हुआ था, जी जी आऊंगी सर आऊंगी, हाँ, उसमें इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या थी? उनको त्याग करना चाहिए था। हम त्याग की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि त्याग तो तब होता है जब उनकी उनके टर्म हो और उनसे कोई चीज छीनी जाए तो त्याग होता है, जैसे चौधरी देवलाल ने किया था। इन लोगों को, जेजेपी को, इस बात का कोई अधिकार नहीं है चौधरी देवलाल का नाम लेने का या उनकी नीतियों का, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की नीति या किसी भी राजनेता की नीति नियत से चलती है, और नियत जो है वो अगर त्याग की नहीं है, और मैं आपके मंच के माध्यम से साफ कहता हूं कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर त्याग की होती तो सीएम आया करके इस प्रदेश की राजनीति को, जो किसान कमेरा शोषित वंचित के हित की बात ही लोग करती थी, उस चीज को ये लोग कमजोर ना करते। मैं आऊंगी आऊंगी धनखड़ साहब आऊंगी, ठीक है धनखड़ साहब, आप जवाब दे ही दीजिए तो फिर आ जाती हूँ मैं कांग्रेस के पास। आप देख लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल की बात मन की तो मैं कांग्रेस की भी, भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल हाँ। पर मेरे मित्र जननायक जनता पार्टी से बाहर नहीं गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जननायक जनता पार्टी इसलिए बनी, दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार को उस पार्टी से निकाल दिया हमने, झंडा डंडा पैसा नाम सब कुछ वहीं छोड़ दिया। वो कब निकाल दिया? जब आप बोलिए ना, अति कर लिया, बीच में कोई नहीं बोलता, बीच में बोलने की, और वो निकालने का तो आपने एक परंपरा को बोलने की तोड़ दो। सुखमन जी, उन्होंने चार पांच बार हाथ उठाया कि उन्हें जवाब देना है, बीच में बोलने की परंपरा जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन आप ये मान लोगे मुद्दे उठा सकते हैं। वो चुप हो गए हैं, बोलिए। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे मित्र को ये नहीं पता, पेरेंट पार्टी में से अलग होने के बाद ज्यादा वोट जननायक जनता पार्टी ने लिया। ये मेरे मित्र क्यों भूल जाते हैं? 11 गुना जींद उपचुनाव में और 6 गुना हरियाणा के देश के चुनाव में, लोकसभा में, ये भूल जाते हैं। परंतु कोई बात नहीं, मेरा तो आरोप वो का वो है, कांग्रेस पे भी वही है, बीजेपी वही, मैंने इन लोगों की बड़ाई भी तो की है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, सही बात कहने में पीछे नहीं हटूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो बात कहते थे, मैंने की चौधरी देवीलाल जो बात कहते थे, हम तो विचारधारा चल रहे, मैं तो कह रहा हूं सब कुछ आपके पास छोड़े, हमने अलग पार्टी बना ली। हमारा इंडियन नेशनल लोकदल इसी तरह से एक पार्टी है जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी है। मैं तो ये बात मान के चलता हूं, मैं अपनी खूबी बता रहा हूं, आप अपनी बता दीजिए, मैं कमी बता रहा हूं। आपने काम किया ना, 14 विधायक आपके पास थे, आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था जींद बाई इलेक्शन में, एक इंडिपेंडेंट ने जो फार्म भरा उसको अपना अपनाने का काम किया, ये काम तो मैंने कही बात, ठीक है, चलिए ये इनेलो और जेजेपी का खाली विषय नहीं है, कैसे खत्म कर आज सकते हैं, ठीक है सर, हो गया सर, आज हम टिकट वीरों को लेकर, हर एक पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं। अशोक तंवर साहब की अभी थोड़ी देर पहले मैं ब्रेकिंग पढ़ रही थी, राजीव लांबा जी, टिकट को लेकर मैं जरूर बात करूंगी कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या इस तरह से ये टिकट पाने के लिए रेस कांग्रेस में भी है क्या, लेकिन साथ में आप इस बात का भी जवाब दें, तंवर साहब जो कह रहे हैं कि अब जिनको जिम्मेदारी मिली है ये उनकी परीक्षा का समय है, हम लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि तंवर किसी भी बैठक में नहीं पहुंच रहे। अनिमका जी देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस की जब स्थापना हुई अपने सिद्धांतों को लेके हुई, अब कांग्रेस की बैठकों की जहां बात है, कांग्रेस के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और कांग्रेस जो अशोक तंवर जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि हर एक कार्यकर्ता की, हर एक नेता की चुनावों के दौरान परीक्षा होती है, और आज ये नहीं,
कि भूपेंद्र हुड्डा जी की परीक्षा है, शैलजा जी की परीक्षा है, तवर जी की भी तो है। हाँ, तवर जी तो की वो बैठकों में नहीं पहुंचे। बिल्कुल, तवर जी की हो सकता है वो कहीं व्यस्त हो, कहीं हाँ। और किसी मीटिंग में व्यस्त हो, ये नहीं है कि वो जैसे पहले होता था कि हुड्डा साहब व्यस्त रहा करते थे। ऐसा अनिमका जी नहीं है, वो व्यस्त हो सकते हैं। दूसरी बात, पार्टी के जो हमारे हमारे उम्मीदवार होंगे, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल पैनल तैयार बनाया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी किसी भी बाहर के उम्मीदवार को कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे सिद्धांतों का नारा लगाती थी, आज कोई मापदंड नहीं है, जो भी है जैसा भी है उसे वो आप भर्ती करे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, अब इन्होंने कहा मेरे दलवीर धनखड़ जी ने जींद इलेक्शन का, देखिए इनकी तो एक लिमिटेड कंपनी है, देवीलाल एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स, अच्छा ये इन पे कोई कार्यकर्ता का मान सम्मान की ये बात कर रहे थे कि जी हम कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हैं, कार्यकर्ता को उठा के लाते हैं, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए आदमी कौन होता है? अभय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, करण चौटाला, क्या इनकी पार्टी में जींद की इलेक्शन लड़ने के लिए कोई एक कार्यकर्ता नहीं था? बस यही पार्टी, ये एक जैसे आड़ती होती है ना, लिमिटेड फर्म होती है। और मैं कहता हूं अनिमा का जी, इस लिमिटेड फर्म पर अब ताला लग चुका है। अब ये हरियाणा में नहीं, हरियाणा की कहीं भी ढूंढे नहीं पाएंगे। और घमासान की तो बात छोड़ दी गई, इन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रही। अब ये आपको जो आवेदन मिले हैं, एक सेकंड सर, आपको जो आवेदन मिले हैं उसी में से फाइनल होने हैं या जिताऊ फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे? जो आवेदन आए हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के नेताओं के आवेदन आए हैं, उसी में से फाइनल करेंगे। बाहर से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, ये तो उम्मीदवार बाहर की तो लेनोर जेजेपी देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस कब अपनी टिकट आवंटित कर दे, बीजेपी कब आवंटित कर दे, इनके पास ढूंढे भी कहीं, आज इनकी टिकट सड़क पे पड़ी है तो लेने के लिए तैयार नहीं। सुखवंत जी, जी जी, देखिए अभी लांबा साहब कह रहे थे ना कि तो इनको शायद नॉलेज नहीं है कि जींद बाय इलेक्शन में हमने एक बहुत साधारण किसान को टिकट दी थी, तो ये कृपा करके ढूंढे भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मैंने सुखवंत जी स्पेशल नाम लेकर कहा था दिग्विजय चौटाला जी का, कि मैंने ये कहा था कि इनके पास, ठीक है वो भी जवाब दे ही रहे थे। हाँ, बारी बारी से। हाँ, अभय चौटाला जी और करण चौटाला जी का भी नाम ले रहे, नाम लिया था। करेक्ट कर रहा हूँ, लिमिटेड पार्टी बोला, आपको करेक्ट कर रहा हूँ। प्राइवेट इनेलो और ये दूसरी पार्टियां तो लिमिटेड है, इन वाली तो सोनिया इन सन्स हम नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा उस बात को। लांबा साहब अब इस तरह की बात ना करें। सोनिया एंड सन्स जिनकी तो राष्ट्रीय ने भी, राष्ट्रीय प्रधान है, उन्होंने भी इस्तीफा, लांबा साहब उन्होंने एक महीने का इस्तीफा अपना दो महीने दिए रखा और पार्टी के लिए ये कह दिया। पार्टी ठीक है, आप अपने बारे में, अपने राजीव जी, अब आप जवाब तो देने दीजिए, दोनों से जवाब ले लीजिए। मुझे स्वामी जी के पास भी जाना, अभी एक बार भी नहीं गई। ये तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। दूसरी बात जो है, आपने टिकटों की शुरू की थी उसी पर आते हैं, जैसे बीजेपी की आप देखेंगे कि उनको आइडियोलॉजी की वो लोग बात करते थे और किस प्रकार से वो लोगों को आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी उनके पास वो स्टफ नहीं है, वो लोग नहीं है जो इलेक्शन फाइट कर पाए, इसलिए वो दूसरे दलों से इंपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है जी, अब कांग्रेस की तो पता नहीं स्थिति क्या है, लांबा साहब कैसे एक्सप्लेन उसको कर रहे हैं, जहां इनके प्रधान के ऊपर चोटें मार दी गई हूं, जहां अब ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, जब कांग्रेस अपने प्रधान का, अपने प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर सकती तो उससे कार्यकर्ताओं के सम्मान की कौन कार्यकर्ता उम्मीद कर सकता है? ये सब ने देखा है किस प्रकार की यहां पे वातावरण है, किस प्रकार की बात है। अनामिका जी, एक बात साफ है, कल की हमारी कैथल रैली से ये साफ हो चुका है पूरे हरियाणा प्रदेश में कि इनेलो बीजेपी के जो विरोधी लोग हैं उनकी पहली पसंद है, और बीजेपी का विरोध जो करते हैं इनेलो उन्हीं लोगों के हकों के लिए अपनी आवाज उठाती है। ग्रामीण संस्कृति, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, वो लोग आज के दिन बीजेपी के 5 साल के शासनकाल से बहुत दुखी हैं, और इनेलो उन्हीं के हितों का संरक्षण करती है और उन लोगों की आशाओं का केंद्र है। 2-3 मुद्दे मैं बीच में बता देता हूं जिनकी वजह से इनेलो आगे जाएगी। तीन दंगे हुए प्रदेश में जो खून बहाया गया, सबसे पहला जाट आरक्षण का था जिसमें निर्दोष बच्चों का खून बहाया गया, निर्दोष बच्चों को जेलों में ठूसा गया और बहुत के ऊपर केस दर्ज करा दिए गए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले उसके ऊपर आवाज उठाई, दूसरी पार्टी के किसी भी नेता ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, वो चाहे जेजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या दूसरा और कोई भी नेता हो।
ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर चौधरी चौटाला ने आवाज लगाई, आवाज उठाई, किसानों की जमीन नीलाम हुई। हाँ। अनामिका जी, पूरे प्रदेश में एक सीरीज सी चली कि बैंकों ने किसानों की जमीन को नीलामी पर डाल दिया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस नीलामी को रुकवाया। SYL जो है वो इस प्रदेश के, पर्टिकुलरली दक्षिणी हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए जीवन मरण का सवाल है। उसके ऊपर हमने लोगों में जागृति फैलाने का काम किया और अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ उसको ये दबाव बनाने की सर, टिकट बीरों को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ। उसको पूरा करें। चलिए बहुत अच्छा, SYL को लेकर बिल्कुल ले लें। 5 सेकंड, 5 सेकंड में टिकट की बात है। और हमारे वर्करों ने, हमारे नेताओं ने इन सब मुद्दों के ऊपर, और भी दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने संघर्ष किया। और जिन लोगों ने इन बातों के ऊपर संघर्ष किया, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा आवाज अपने अपने क्षेत्र में उठाई है, उनको टिकट दें। और जो इनेलो के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम उन लोगों को पिक एंड चूज करके अपनी टिकट देकर जिताऊ फैक्टर तो देखेंगे ना सर? बिल्कुल देखेंगे, जनता के सामने पेश करेंगे, सब देखेंगे, बिना जिताऊ फैक्टर देखे कोई टिकट नहीं। अनामिका जी, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम ठीक है, हर एक पार्टी, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जिताऊ कैंडिडेट देखेंगे, लेकिन 50% हमारा ये भी होगा कि अच्छे लोग लोकतंतर में आगे बढ़े। नहीं, ये तो 100% होना चाहिए कि जिताऊ फैक्टर है लेकिन 100% अच्छा हो। आप जो है जैसे कह रहे, नहीं 50% हम भी देखेंगे जिताऊ की बात। हाँ। क्योंकि हम जब डू एज रोमन्स डू, हम इस माहौल में अलग से नहीं जा सकते। हम 50% जिताऊ देखेंगे, लेकिन हम 50% उन लोगों को भी देखेंगे जो बिल्कुल ग्रास रूट से। बहुत अच्छी बात है, दलबीर जी जल्दी से सुरेंद्र स्वामी जी से मुझे प्रतिक्रिया लेनी है आप सबों की बातों। एक मिनट मुश्किल से लूंगा। अशोक तंवर जी का बयान मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैनुफेस्टो कमेटी बैठक में जाने का क्या फायदा, उन्होंने बोल रहा है ये। घोषणा पत्र तो 18 अगस्त को जारी हो चुका है, मुख्यमंत्री भी घोषित हो चुका है, औपचारिक बैठक चार उप मुख्यमंत्री भी जीतते नहीं है। मेरा जो चुनाव हारे हुए हैं लोकसभा के, उनको टिकट ना दे कांग्रेस। हाँ। पार्टी जिताऊ कैंडिडेट आगे ले, ये मैनुफेस्टो कमेटी ने बयानबाजी पूछ रहा हूँ। 18 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को नेता सीएम भी घोषित कर दिया। हाँ। चार मुख्यमंत्री भी बना दिए। शैलजा जी कह रही है हम नया घोषणा पत्र लेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं। अशोक तंवर की बात इसलिए मैं सही मानता हूँ, ऐसी कमेटी में जाने का फायदा नहीं। शैलजा जी कह रही है कि हम नया घोषणा पत्र लाएंगे, उससे पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अभी भी कह रहे जो कहा है उसमें शामिल करेंगे। सर ये क्या चल रहा है, ये मैं आपसे पूछूंगी, आप थोड़ा जवाब तैयार करें। उससे पहले सुरेंद्र स्वामी जी मैं आपके पास आ रही हूं। टिकट को लेकर संग्राम शुरू हो चुका है जी। बीजेपी से जो खबर आई आपको भी पता चली होगी, राविंद्र जीत कह रहे हैं कि हमारी बेटी को टिकट दो, कृष्णपाल गुर्जर चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। राविंद्र जीत ने पार्टी से यहां तक कह दिया कि आपने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे को टिकट दिया, चाहिए तो आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए। ये बयान आज का है, कल सुभाष बराला जब ये बोल चुके हैं कि हम किसी भी मंत्री या नेता या विधायक के बच्चों को या परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे। नहीं देखिए कि पार्टियों में टिकट बंटवारे के बाद घमासान तो होता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये घमासान बड़ा जबरदस्त होता है टिकट अनाउंस होने तक। लोग अपने अपने लोगों को लेके जाते हैं, दिल्ली में पड़े रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस का दफ्तर हो, भाजपा का दफ्तर हो, नारे लगते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि MP में कपड़े फाड़ के बैठ गए टिकटों के लिए कि भाई नहीं दिया तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तो वो घमासान होता है, और वो घमासान करीब करीब विड्रॉल आते आते सबसाइड हो जाता है, या तो उनको मना लिया जाता है या उनको कुछ समझा दिया जाता है, कुछ प्रलोभन दे दिया जाता है। और उसके बाद भी हर पार्टी में 9-10% ऐसे चुनाव वीर बचते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं। और यही कारण है कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं या छोटी मोटी किसी पार्टी को पकड़ के उसके ऊपर चुनाव लड़के आते हैं तो वो जीतते हैं, अदरवाइज तो सिर्फ पार्टियां ही चुनाव जीतती जी। आप किसी भी चुनाव का नतीजा निकाल के देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो पार्टी के खिलाफ लड़े और जीत के आए। पर ये एक बहुत बड़ा नंबर नहीं होता, ये एक छोटा नंबर होता है, और उसमें कोई गलती भी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो राजनीति में है उसे चुनाव लड़ना है, उसे टिकट चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं राजनीति में, एक तो फोकटिया जिनको भाई कुछ भी आप बना दीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, जिला अध्यक्ष बना दिया, सचिव बना दिया, उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं, उसी में उनकी नेतागिरी चलती रहती है, क्योंकि न तो उन्हें मालूम है चुनाव लड़ने का उन पे दम है और नहीं उनको मालूम है कि उनको कोई ऐसा सपोर्ट है जो वो चुनाव लड़ेंगे। और ये हाईकमांड तक, चाहे वो बीजेपी की हाईकमांड हो चाहे दूसरे की, वहां तक मिलेंगे आपको कि जो चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं,
वो अपना उनका एक नजरिया होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो पार्टी में इसलिए हैं कि भाई हम अपना बिल्डअप कर रहे हैं वोटर बेस, अपना बेस, और हमें टिकट चाहिए। और पार्टी की भी मजबूरियां होती हैं कि बहुत फाइनल लाइन होती है। आप 100 आदमियों से पूछिए वो कहिए भाई एक्स जीतेगा, दूसरे 100 से पूछिए वो कहेगा वाई जीतेगा। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई जानबूझ के किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना चाहती है, लेकिन वो पार्टी का अपना असेसमेंट होता है, कैंडिडेट्स का अपना असेसमेंट होता है, और इसीलिए उन लोगों को वो टिकट नहीं देते हैं। और जहां बराबर की टक्कर होती है वही चुनाववीर बाद में जाकर के चुनाव लड़ते हैं। तीसरी जो बात होती है जब बराबर की आप टक्कर की बात कर रहे हैं सर जी, अपनों को एडजस्ट करने को लेकर हम बात कर रहे हैं कि धनखड़ साहब बीजेपी से कुछ खास स्वर फूट रहे हैं बार बार। मैंने कृष्णपाल गुर्जर का नाम लिया, उनको नहीं मिले जब पार्टी, मैंने रामिंदर जी का नाम लिया, रतनलाल कटारिया अपनी पत्नी बंतो कटारिया के लिए चाहते हैं कि टिकट मिल जाए, नायब सैनी अपनी पत्नी सुमन सैनी के लिए नारायणगढ़ से टिकट मांग रहे हैं, गुर्जर साहब अपने बेटे देवेंद्र के लिए तिगाव से सीट मांग रहे हैं। ये उस पार्टी की ओर से ये मांगे अपनों को एडजस्ट करने के लिए उठ रही हैं जो भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर दूसरों को टारगेट करती है। धनखड़ साहब देखो अनामिका जी, बात ये नहीं, बात यहाँ पे ठहर जाती है। राव इंद्र जी जिन्हें सीधा सीधा सवाल किया है, अब बीरेंद्र सिंह के बेटे को और उनकी पत्नी को क्यों, मेरी बेटी को क्यों नहीं, रिजाइन तो मैं भी देने को तैयार हूं, मेरी बेटी को टिकट दो। बात यहां नहीं आ जाती, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी, फिर कहता हूं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, पर जब ये अति बातें हैं, बातें करते हैं आगामी परिवारवाद के खिलाफ है, क्षेत्रीय दलों पर आरोप लगाते हैं, मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मेरे मित्र यहां बैठे हुए हैं, आज ये करके चलाओ आप, आज हम यूपीए को खत्म करने जा रहे हैं, अकेली कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी पूरे देश में, या भारतीय जनता पार्टी कह रहे हो अकेली एनडीए लड़ेगी, क्यों क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करते हैं? क्षेत्रीय दलों की अपनी मर्यादा होती है, क्षेत्रीय दल रियल दल होते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय में नहीं बचती। जब राहुल गांधी जी को अध्यक्ष, फिर सोनिया जी को क्यों बना दिया? जब राहुल सोनिया जी ने छोड़ दिया, राहुल गांधी को बना दिया, राहुल गांधी ने छोड़ा, फिर सोनिया गांधी को बना दिया। मतलब आप डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना सकते, पर तीन उंगली आपकी तरफ उठ जाती है। मैं तो फिर कहता हूँ चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार में तीन व्यक्ति हैं, तीनों टिकट है उनके पास, एक राज्यसभा से मेंबर है, एक लोकसभा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड पर बोल दीजिए सर, सोनिया एंड सन्स पर भी बोल दीजिए, कम से कम सोनिया एंड सन्स पर भी बोल दीजिए, डबल स्टैंडर्ड पर भी बोल दीजिए। एक सेकंड सर सुन लीजिए सवाल पूरा। कुमारी शैलजा कह रही है नया मैनिफेस्टो बनेगा, नई मैनिफेस्टो कमेटी भी बन गई, बैठक पर बैठक हो रही है, उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं पहले वाली बातों को भी उसमें ऐड कर देंगे। तवर साहब परीक्षा की बात कह रहे हैं, क्या वो कांग्रेसी नहीं है, क्या उनकी परीक्षा नहीं है, क्या हो रहा है सर? देखिए अनिमका जी, पहले मैं जवाब देता हूँ जो मेरे भाई बड़े भाई धनखड़ जी ने कहा, कांग्रेस में इतना समर्पण है, समर्पण भाव है, जहां ये जेजेपी और एलएनओ की बात करते हैं, आप इनका देखिए, ये चाचा भतीजे दोनों लड़ रहे हैं। कांग्रेस में इतना समर्पण भाव है कि सोनिया सीट को समर्पित कर देती है राहुल गांधी को, राहुल गांधी सोनिया गांधी को, तरीके से तो आपस में वो बाप बेटा है उसको तो दे देते हैं, ये दादी को भी देखने नहीं जाती, ये इनकी दादी हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, दादी हॉस्पिटल में, देखिए सत्ता का कितना, क्या बात आप कर रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कौन नहीं था, नहीं ठीक है, मैं लौट रहा हूँ इस डिबेट में, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, एक बहुत ही छोटे से। चले टिकट को लेकर, टिकट वीरों का संग्राम जो दिख रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो गहमा गहमी आप देख रहे थे स्वामी जी, आपने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो बीजेपी के लिए चुनौतियां जो है वो और भी खत्म हो जाएंगी और बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब यह है कि जिस तरह से हम तो ये सोच रहे थे कि जो अपोजिशन पार्टीज है जब वो खुद ये कहती हैं कि भाई हम इनेलो और जजपा जैसे मान लो दो हैं, तो वो एक दूसरे को पार्टी की नजर से देखते हैं, परिवार की नजर से नहीं देखते जी। तो जब आप आपसे समझौता कर सकते हैं, बसपा से समझौता कर सकते हैं, तो आप आपस में समझौता क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, एज ए पार्टी। लेकिन चूंकि वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई, और अगर ये एक समझौता करते तो एक अच्छा मैसेज टाइमली चला जाता जी, जी। उसी तरह से कांग्रेस में यही है, कांग्रेस का जो अपना मतलब टॉप लेवल से लेके और यहाँ पे जो 5 साल से चला आ रहा था उसमें कोई सुधार नहीं हुआ,
तो सुधार होता तो, लेकिन अभी तो मैराथन बैठकें चल रही हैं। बैठक से नहीं होता ना, देखिए क्या होता है चुनाव में हमारा अपना अलग असेसमेंट का तरीका है। जी जी, हम असेसमेंट करते हैं कि वोटर क्या चाहता है, हम एक वोटर की तरह सोचते हैं, और यही कारण रहा है कि पिछले जितने भी चुनाव हुए आपके साथ भी हमने किए हैं, हमारा असेसमेंट करीब करीब बिल्कुल सही रहा, सही रहा है, बिल्कुल सही, बहुत करीब। और अभी भी जब ये 75+ और 78+ एबीपी न्यूज इतने बड़े बड़े सर्वे वाले दे रहे हैं, तब भी हम यही कह रहे हैं कि भाजपा 60+ माइनस पे, हम शुरू से कह रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि कांग्रेस में जो बिखराव हो गया, उस बिखराव की वजह से, और इधर जजपा और इनेलो की जो आपसी परिवारवाद की लड़ाई हुई, बिखराव ही एक तरीके से वो अलग हो गए। हाँ, तो उसके चलते क्या स्थिति बन गई है कि वोटर के सामने एक अल्टरनेटिव नहीं है कि भाई हाँ ये पार्टी है जिसमें चला जाऊं तो मैं भाजपा को रिप्लेस कर सकता हूँ। और हमने कहा है कि भाजपा हो या कोई भी पार्टी सत्तारूढ़ दल हो, एक अपोजिशन का स्पेस होता है, उस स्पेस को कोई नहीं ले सकता। कोई भी कितना ही पॉपुलर लीडर उस पार्टी में हो, कितना ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पॉपुलर हो, लेकिन वो अपोजिशन की स्पेस तो रहती ही है, और वो अपोजिशन की स्पेस हरियाणा में है। और उसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो भाजपा की सरकार बनी वो 34.5% वोट पे बनी थी जी 2014 में। उसके बाद जून जींद के चुनाव में भले ही वो पहली बार जीते, लेकिन सरकार सत्ता में थी 4 साल, फिर भी वो 34.5% वोट से ऊपर नहीं उठ पाए। फिर जब लोकसभा का चुनाव आया उसके मुद्दे अलग थे, तो वो 58% पे चले गए। इस बीच में क्या हुआ कि वो जो बिखरा हुआ सारा, उनको वोट कहां से आए? उनको वो सारे के सारे वोट जजपा और इनेलो से गए, क्योंकि कांग्रेस ने तो 25-28% 3% बेटर ही किया। तो उस समय भी लोकसभा चुनाव में ये लग रहा था कि भाई ये जो टक्कर है ये भाजपा बनाम कांग्रेस है, तो जो अपोजिशन का वोटर था, अपोजिशन की जो स्पेस थी, वो कांग्रेस को मिल गई। अब चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे बहुत कम रहते हैं, और छोटे छोटे मुद्दे, गांव के मुद्दे, इवन मैं तो ये कहूंगा कि भाई पार्क में लाइट लगी या नहीं लगी, हालांकि एमएलए का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो भी इस चुनाव में मुद्दा बनता है। लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो लाइट तक नहीं लगी। तो ये मुद्दों को लेकर के जो अपोजिशन का स्पेस है, अब उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, जो मैंने कहा था। रिवर्स ऑस्मोसिस का मेरा मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय मुद्दों पे भाजपा के पास गए थे, वो वोटर अब लौट के वापस इनेलो, जजपा और कांग्रेस में आएंगे। और कांग्रेस के पास जो वोटर आ गए थे ये सोच करके कि ये भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में है, उसमें से कुछ वोटर टूट करके वापस जो है जजपा और इनेलो में जाएंगे। अब उसमें क्या है कि जो इनेलो की स्थिति है वो थोड़ी, मतलब जजपा के मुकाबले में मुझे कहने में संकोच नहीं है कि एक के बाद एक जो इनके एमएलए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक पब्लिक में एक परसेप्शन बनने लगता है कि भाई इनेलो, अरे इनेलो से तो सभी जा रहे हैं, भाई इनेलो से तो सभी जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है पब्लिक को कि भाई ये तो कुछ मामला गड़बड़ है। मैं ये नहीं कहता पार्टी मेहनत नहीं करी, लेकिन एक परसेप्शन होता है। हाँ, लेकिन इस मामला गड़बड़ पे सुखवंत जी जवाब तो उससे नहीं, नहीं देखिए जवाब ये कुछ भी दें, हम हमारा तो अपना असेसमेंट नहीं, वो इसको कितना समझ रहे हैं ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है इसलिए। अच्छा, दूसरा हमको उम्मीद थी कि भाई ये लोग कुछ कर पाएंगे, जजपा और इनेलो मिलके, शायद मिलके बार बार ये कहते थे कि भाई हमारी परिवार से कोई मतलब नहीं, हम तो पार्टी ट्रीट करते हैं, तो हमने सोचा पार्टी पार्टी दो पार्टी शायद कुछ कर पाएंगी, वो हो नहीं रहा है। दोनों पार्टी को मिलाने की खाप पंचायतों ने बहुत कोशिश, और इधर कांग्रेस में भी ये लग रहा था कि भाई अब हुड्डा जी हो गए, अब तो सब बढ़िया काम हो जाएगा, और उसमें उन्होंने जो है उनको एक ऐसी कमेटी का चेयरमैन बनाया जिसका अभी तक गठन नहीं हुआ, और एक बनाए थे कैप्टन अजय यादव, तो उनका तो कहीं आजकल अखबार में न्यूज में नाम ही नहीं आ रहा, जो कैंपेन की अध्यक्षता में एक बैठक हो गई नहीं, पर मतलब फोकस तो वही रह गया ना। तो उससे कुल मिला के देखिए क्या होता है, अजय यादव को आपने बनाया, एक वोट बैंक था, अब उनका जिक्र कम हो गया तो लोगों को लगता है अभी तो नाम कहीं पता नहीं इनका क्या होगा। हाँ। आपने अशोक तंवर को काटा, अशोक तंवर भी 5 साल अध्यक्ष रहे, उनके भी अपने वोटर है, वो खुद ही साइड हो गए। ऐसा नहीं है कि भाई वो आदमी बिल्कुल ऐसे हवा में है। हाँ। हर नेता का अपना एक वोट बैंक होता है। हाँ। तो उससे कुल मिला करके जो अपोजिशन की स्थिति है वो ऐसी स्थिति नहीं है जो जनता में इस समय ये मैसेज दे कि भाई हम रिप्लेस करने की स्थिति में। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि इतने झगड़ों के बावजूद भी मैं नहीं देख रहा हूं कि भाजपा 60+ माइनस से अधिक सीटें लेने की स्थिति में, जबकि एबीपी न्यूज तो 78 दे रही है, इतने बड़े सी वोटर उनके हमारा वो करने वाले हैं।
हरियाणा न्यूज का एक्यूरेट है, हमने आपको बिठाया। अच्छा। तो हमारा ये मतलब तो अभी भी जो स्थिति है वो जब टिकटें आ जाएंगी, हाँ, तो टिकटें आने के बाद और ज्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी, तब आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि भाई कांडा जी की पार्टी के कोई जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इनेलो में अगर जीतेगा तो किस, क्योंकि उनके विरोध में अब कौन आए उससे एक बनेगा हिसाब किताब, तो वो कैंडिडेट्स आ जाने के बाद वो होगा। और दूसरा ये है कि जब पार्टियां जो होती हैं, एक टाइम था जब पार्टी के नाम पे कांग्रेस में वोट होता था, एक टाइम था जब इनेलो के पास पार्टी के नाम पे वोट, लोग कहते थे अरे हमें कैंडिडेट से मतलब, हम तो पार्टी को दे रहे हैं। अब वो धीरे धीरे स्थिति खत्म हो गई, अब पार्टी का अपना वोट बैंक बहुत कम है, अब जो कैंडिडेट है उसका अपना वोट बैंक है, उसके अपनी इक्वेशंस हैं, उसके अपने रिलेशंस हैं, बिल्कुल उस पे वो ज्यादा खींचता है। तो मैं समझता हूं कि कैंडिडेट एक बार जब सामने आ जाएंगे तो उसके बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भाई ये सभी पार्टियां कहां खड़ी हैं। ठीक है, राजीव लम्बा जी। देखिए स्वामी जी कह रहे थे अभी कि भाई बिखराव हो गया, कांग्रेस में कहीं भी कोई भी बिखराव की बात है ही नहीं। अशोक तंवर कांग्रेस कहां? कांग्रेस का अशोक तंवर कहां है? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। हाँ, वो हो सकता है कि इनेलो में बिखरा हुआ हो, जेजेपी में बिखरा हुआ हो, आज भारतीय जनता पार्टी, अशोक तंवर जी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे कहां हैं, वो यही है, वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि जितना सहयोग मुझे मिला उतना सहयोग हम भी कर देंगे। उनको क्या सहयोग मिला? उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या जीत लिया, क्या हासिल किया? अनिमिका जी, उनका एक बयान आया था कि मैं पार्टी, मुझे पद का कोई लालच नहीं है, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित हूँ और पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। आज भी वो जनता के, उससे ज्यादा बार उन्होंने ये बातें कही कि जितना सहयोग मिला उतना दूंगा। वो नहीं दे रहे हैं सहयोग, वो नहीं दे रहे सर, वो आपकी बैठकों में, राजीव लांबा जी, वो आपकी बैठकों में नहीं जा रहे हैं। बैठकों में वो निरंतर जा रहे हैं। अशोक, एक मिनट सर, एक दिग्गज नेता के तौर पर आप अशोक तंवर को मानते हैं? बिल्कुल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं ना, बड़े नेता, समर्थक है उनका, अपना एक वोट बैंक है। क्या कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि नुकसान होगा? देखो, हर एक नेता को अपने प्लेटफार्म पे, पार्टी के प्लेटफार्म तो नाराज है ना अशोक तंवर, उसके लिए कर क्या रहे हैं आप लोग? और अशोक तंवर जी अपनी बात कह रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बात कह रहे हैं। रही दूसरी बात चुनावी मैनिफेस्टो की, जो बात थी चुनावी मैनिफेस्टो में, अब देखिए जो बड़ी सफाई से और साफ़गोई से आप तंवर वाले मसले से हट गए। मैनिफेस्टो पे आएंगे आप, बताइए ना, एक सेकंड सर, तंवर की नाराजगी कैसे दूर करेंगे आप, इसका जवाब दीजिए। आएंगे मैनिफेस्टो पे? राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी नेताओं की नाराजगी। चलिए, धनखड़ साहब, इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि जो नाराजगी है, मतलब संगठन नाराजगी है तंवर साहब की, उसको देखना। आज भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे 5 साल इनकी सरकार रही और लोग जो, अरे सर आप एक मिनट में सब कुछ बोल लेना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, आपका मैनिफेस्टो भी, तंवर की नाराज ऐसा थोड़ी होता है सुखवंत जी। नहीं नहीं सर, आप तो एकदम, अरे सर कहा आप, काम नहीं किया आप, तो सारे एक्सप्रेस एक साथ पकड़ ले रहे हैं। सुखवंत जी की तरफ देख रहे हैं सर, ठीक है सर। अनामिका जी, ये तो खुद तंवर साहब भी नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनको भी नहीं पता है। अच्छा, मैं स्वामी जी की बात का जवाब देता हूँ। एक कवि ने ये कहा है कि रूप से न कोई भला बुरा कहता है, नजर का भेद ही सब गुण दोष बताता है, कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। क्या बात। हाँ। अनामिका जी, सारा चक्र नजर का है, कौन किस तरीके से देखता है। कुछ लोग दूसरे के दिमाग पढ़ने की कला जानते हैं, स्वामी जी मांस के दिमाग को पढ़ने की कला जानते हैं, जहां तक मैं समझ। और ये आपकी जो कविता थी, आपने जो कविता भी पढ़ी, इसमें चांद इनेलो थी क्या? मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। स्वामी जी पूरे हरियाणा की जो जनता है उसके दिमाग को पढ़ पाए हैं। हाँ। और मुझे ये लगता है, मैं बहुत डिबेट में इनके साथ रहा हूँ, मेरे को ये लगता है कि संघ की विचारधारा से और बीजेपी का एक एज देते हैं बीजेपी को हर डिबेट में। और यहाँ पे मेरा जो, हम लगातार एक बात कह रहे हैं, वो बात कोरोबरेट होती है कि जेजेपी ही बीजेपी है। अच्छा। और इस प्रकार आप देखेंगे कि ये बार बार इनेलो पे जा करके, क्योंकि बीजेपी और संघ हरियाणा प्रदेश में अगर किसी नेता से घबराता है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, उनके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला है।
सर आप इनेलो से घबराने की क्या जरूरत? मैं बता रहा हूँ, अब घबरा नहीं रहे तो बार बार एक बार बताओ, इन इनके पास कौन सा ऐसा पैमाना है कि ये कहते हैं कि इनेलो तो नहीं। कल हमने रैली की है कैथल में, जबरदस्त रैली की है, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, हमें ये कह रहे थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, उसके बावजूद की है। आप कैसे कह रहे इनेलो कमजोर है? दूसरी बात, इन्होंने परिवार की बात की कि परिवार टूटा है। अनामिका जी, परिवार के रूप में हमने खाप पंचायतों को खुला हाथ दे दिया था कि जी आप जो कुछ भी करेंगे, अगर हमारी गलती बताएंगे, हम स्टेज पे जनता के सामने ये स्वीकार करेंगे, अगर खाप पंचायतें बताएंगी तो। वो बात कंप्लीट किधर से नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, जिसकी गलती होगी वो बात को आगे नहीं बढ़ने देगा, वो बात सबने देखी। हमारी यहाँ पे मैं दुआ इस बात को कहता हूँ स्वामी जी की बात को, कि हमारी बात विचारधारा की है। विचारधारा की क्या है? हम ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा और नीतियों की जो बात, तो जेजेपी भी कहती है कि वो देवीलाल की नीतियों पर चल रही है। मेरी बात कंप्लीट होने दे आप, कि जो चौधरी देवीलाल की नीति और विचारधारा की बात करता हो, उसकी नियत सबसे पहले त्याग की होनी चाहिए। अगर उसकी नियत त्याग की नहीं है, तो उसकी नीति और विचारधारा है। ठीक है, धनखड़ साहब जल्दी से बात खत्म। मैं तो सम्मान करता हूँ आदरणीय स्वामी जी का, त्याग वाली बात पे भी बोल दीजिए। हमें फटकार लगाते हैं वो, हम सीख के जाते हैं जी, और उस पर हम काम करने की कोशिश की है। मैंने तो खास कर की है, मेरी पार्टी ने। आपको तो उनकी तरह भाजपा ही नजर नहीं आते ना ये? नहीं, मैं तो कभी नहीं कहता, मैं सीख के जाता हूँ यहाँ। कैसे कहते, क्योंकि दोनों मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, मैं कैसे कहता, एक ही इंटरेस्ट। बीच में बोलने वाला व्यक्ति कभी ठीक नहीं होता, ध्यान रखना वाला। सर कल अगर इनेलो का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आएगा सुकवन जी, और ये इनेलो के लिए कुछ कह देंगे, तो आप इन्हें इनेलो के कहेंगे ना? आज तक तो देखा नहीं समझ को इनेलो की तरफ कहते हैं। जल्दी से आपके जो परफॉर्मेंस उसी पे बोल रहे हैं, बताते हैं। और जहां तक मेरे मित्र फिर कहते हैं, परिवार किसने तोड़ा, परिवार से लोगों को किसने निकाला, चलिए ठीक है, जनता जानती है, हरियाणा जानती है, ठीक है। 40 साल की तपस्या रातों रात बाप बेटे से हो गया सर। सर जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए, खत्म करना। आज इकट्ठा करने की बात करते हैं, ठीक है, हो गया सर, हो गया। नहीं नहीं, बस सर, बस सर, टाइम खत्म हो गया। मुझे यही कहना है कि टिकटॉक का जो बंटवारा होगा उसके बाद घमासान होता है, और इस बार भी होगा, और उस घमासान जो है करीब करीब 7 तारीख को विड्रॉल पे थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद भी हर पार्टी में कुछ ऐसे, और चूंकि इस समय जो बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन जहां होगा उन पार्टियों को ही ज्यादा परेशानी होगी। बिल्कुल, और जैसे कि स्वामी जी बिल्कुल सभी सभी शामिल है उसमें, जैसे कि स्वामी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा होगा उसके बाद घमासान होगा, लेकिन उससे पहले भी घमासान हो रहा है, इसका क्या? लेकिन दिलचस्प लड़ाई चल रही है। एक सवाल हमने पूछा था, एक सवाल पूछा था, एक बार सवाल देख लीजिए फिर उसका जवाब बताते हैं। सवाल, क्या टिकट पर मचा घमासान पहुंचाएगा पार्टियों को नुकसान? ये सवाल था, यस और नो में जवाब देना था। अब जवाब देखिए, बयानवे फीसदी लोगों का कहना है कि हाँ टिकट पर मचा घमासान पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगा, और केवल 8% ऐसे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, हमारे सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूं, और इसके साथ ही आप सब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।